नमस्कार। आज का विषय है रेखा एवं कोण, यानी कि लाइंस एंड एंगल्स। ये इस विषय का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सबसे पहले जाना था कि रेखाखंड, रेखा और किरण क्या होते हैं। उसके पश्चात हमने विभिन्न तरह के कोण युग्म देखे थे और उसके पश्चात हमने विभिन्न तरह के रेखा युग्म देखे थे। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण देखेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे कि समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है और इसमें कोणों के गुण क्या होते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे कि दो समांतर रेखाओं की जांच कैसे की जाती है। आइए सबसे पहले देखते हैं तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और ई एफ इनकी एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो इनसे आठ कोणों का निर्माण होता है। कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, कोण पाँच, कोण छः, कोण सात और कोण आठ। तो देखते हैं कि भिन्न भिन्न तरह के कौन से कोण बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से कोण हैं और उनका प्रकार क्या है। सबसे पहले अंतः कोण। तो अंतः कोण हम इस चित्र में देख सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच में जो कोण है वो अंतः कोण है, जैसे कि कोण तीन, कोण चार, कोण पाँच और कोण छः। उसके पश्चात हम बाह्य कोण देख सकते हैं जो इन दोनों रेखाओं ए बी और सी डी के बाहर हैं, यानी कि विपरीत दिशा में हैं। तो वो हैं कोण एक, कोण दो, कोण सात और कोण आठ। तीसरा प्रकार देखते हैं हम संगत कोणों का। तो संगत कोणों की युग्म इसमें कौन कौन से हैं। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहला युग्म कोण एक और कोण पाँच है। संगत कोण वो होते हैं जो एक रेखा के एक ही तरफ होते हैं और एक ही स्थिति में होते हैं, यानी कि यहाँ दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी हैं तो इनके एक ही स्थिति में कोण एक और कोण पाँच दोनों के ऊपर हिस्से में हैं, यानी कि एक ही स्थिति ऊपरी स्थिति में है, इसलिए इन्हें हम संगत कोणों का युग्म कहते हैं। इसी प्रकार कोण दो और कोण छः, कोण तीन और कोण सात, कोण चार और कोण आठ, ये भी संगत कोणों के युग्म हैं। अभी तक हमने तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित तीन तरह के कोण देखे। अभी आगे की और कोण भी देखते हैं। चौथा प्रकार का कोण होता है एकांतर अंतः कोणों का युग्म। ये ऐसे अंतः कोण होते हैं जो तिर्यक छेदी रेखा के विपरीत तरफ होते हैं, जैसे कि कोण तीन और कोण छः और कोण चार और कोण पाँच। ये दोनों युग्म ऐसे हैं जो तिर्यक छेदी रेखा के विपरीत तरफ हैं और साथ ही साथ अंतः कोण भी हैं। उसी तरह से पांचवा प्रकार होता है एकांतर बाह्य कोणों का युग्म। ये ऐसे बाह्य कोण होते हैं जो तिर्यक छेदी रेखा के विपरीत तरफ होते हैं, उदाहरणतः कोण एक और कोण आठ और कोण दो और कोण सात। ये दो युग्म एकांतर बाह्य कोणों के हैं। छठवां प्रकार होता है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म का। ये ऐसे अंतः कोण होते हैं जो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ होते हैं, जैसे कि कोण तीन और कोण पाँच, साथ ही कोण चार और कोण छः। ये दोनों युग्म तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ हैं और साथ ही अंतः कोण हैं। चलिए एक सरल सा उदाहरण देखते हैं। संलग्न आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। हमारे पास एक आकृति है जिसमें दो रेखाएं हैं और साथ ही उनकी एक तिर्यक छेदी रेखा है। सबसे पहले हमें निकालना है कि संगत कोणों की युग्म कौन कौन से हैं। तो हम देख सकते हैं कि कोण ए और कोण ई, ये संगत कोणों का एक युग्म है, साथ ही साथ कोण बी और कोण एफ, कोण सी और कोण जी, कोण डी और कोण एच, ये चार संगत कोणों के युग्म हैं। अब हमें अंतः एकांतर कोणों के युग्म देखना है, तो वो भी हम आसानी से देख सकते हैं कि कोण सी और कोण ई, साथ ही कोण बी और कोण एच, ये दोनों अंतः एकांतर कोणों के दो युग्म हैं। आइए अब हम देखते हैं समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ये ऐसी रेखाएं होती हैं जिनको असीमित बढ़ाने पर भी ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो आइए इसकी तिर्यक छेदी रेखा के बारे में देखते हैं। यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है।
आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और ई एफ इनकी एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो नियम के अनुसार कोण एक बराबर कोण पांच होगा क्योंकि ये संगत कोणों का युग्म है। उसी तरह से कोण दो बराबर कोण छह होगा, साथ ही साथ कोण तीन बराबर कोण सात और उसी तरह से कोण चार बराबर कोण आठ होगा। समांतर रेखाओं के तिर्यक छेदी रेखा के बारे में और भी जानते हैं। यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। आप यहां से चित्र देख सकते हैं, इसमें दो समांतर रेखाएं और उनकी तिर्यक छेदी रेखा है। तो नियम के अनुसार कोण तीन और कोण छह एकांतर अंतः कोण है तो ये बराबर होंगे। उसी तरह से कोण चार और कोण पांच भी आपस में बराबर होंगे। आइए समांतर रेखाओं के तिर्यक छेदी रेखा के अगले नियम के बारे में देखते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो बाह्य एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। आप चित्र देख सकते हैं, इसमें ए बी सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और ई एफ इनकी एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो नियम के अनुसार कोण एक बराबर कोण आठ होगा और साथ ही साथ कोण दो बराबर कोण सात होगा क्योंकि ये दोनों एकांतर बाह्य कोण के युग्म हैं। चलिए समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा का अगला नियम पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ को बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, अर्थात उनका योग 180 अंश होगा। आप चित्र देख सकते हैं, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और ई एफ इनकी एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो नियम के अनुसार कोण तीन धन कोण पांच बराबर 180 अंश होगा। उसी तरह से कोण चार और कोण छह बराबर 180 अंश होगा क्योंकि ये दोनों तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ को बने अंतः कोणों के युग्म हैं। चलिए एक उदाहरण से इसे और अच्छे से स्पष्ट करते हैं। संलग्न आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। आप एक आकृति देख रहे हैं, इसमें दो समांतर रेखाएं हैं और उनकी एक तिर्यक छेदी रेखा है। साथ ही साथ इसमें तीन कोणों के माप दिए हुए हैं जिनमें x और y भी हैं, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 7y धन 27 अंश और 125 अंश ये दोनों एकांतर बाह्य कोण हैं, तो नियम के अनुसार दोनों एक समान होंगे, यानी कि 7y धन 27 अंश बराबर 125 अंश। तो 7y बराबर 125 अंश माइनस 27 अंश बराबर 98 अंश। तो y बराबर 98 अंश को भाग देंगे हम 7 से, तो y बराबर आएगा हमारे पास 14 अंश। आइए इस उदाहरण का आगे का भाग ज्ञात करते हैं। तो आगे के भाग में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं कि 15x माइनस 5 अंश और 125 अंश संपूरक कोणों का एक युग्म है, तो इसलिए दोनों का योग 180 अंश होगा, यानी कि 15x माइनस 5 अंश धन 125 अंश बराबर 180 अंश। तो 15x प्लस 120 अंश बराबर 180 अंश। तो 15x बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश बराबर 60 अंश। तो x का मान आ जाएगा 60 अंश का भाग देंगे हम 15 से, यानी कि x बराबर 4 अंश। आइए अब हम देखते हैं कि समांतर रेखाओं की जांच कैसे की जाती है। उसके लिए निम्न में से अगर कोई भी सही हो तो दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं। पहला नियम उसके लिए है कि जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि संगत कोणों के युग्म समान हैं, तो रेखाएं समांतर होती हैं। दूसरा नियम देखते हैं कि जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि अंतः एकांतर कोणों का युग्म समान है, तो रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर रेखाओं की जांच का तीसरा नियम भी देखते हैं। तो तीसरे नियम के अनुसार जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म संपूरक है, तो रेखाएं समांतर होती हैं।
एक सरल से उदाहरण से इसे अच्छे से स्पष्ट करते हैं। आप चित्र देख रहे हैं, इसमें दो रेखाएं L और M हैं, साथ ही इनकी एक तिर्यक क्षैतिज रेखा X है। इससे बनने वाले कुछ कोण हैं। तो संलग्न आकृति में कोण 2 बराबर 123 अंश है और कोण 5 बराबर 57 अंश है। तो यह बताइए कि रेखा L और M समांतर है या नहीं। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोण 2 और कोण 3 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं, इसलिए वो दोनों बराबर होंगे, यानी कि कोण 3 का मान भी 123 अंश होगा। अगर अब हम देखें तो कोण 3 का मान 123 अंश है और कोण 5 का मान 57 अंश है। तो हम देख सकते हैं कि कोण 3 और कोण 5 का योग, यानी कि 123 अंश और 57 अंश बराबर 180 अंश है, यानी कि ये दोनों कोण संपूरक हैं और साथ ही साथ ये तिर्यक क्षैतिज रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण हैं। इसलिए तीसरे नियम के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि L और M रेखा समांतर होंगी। आइए हम देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि तिर्यक क्षैतिज रेखा द्वारा निर्मित कोण कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा कि इसमें 6 प्रकार के कोण निर्मित होते हैं। तत्पश्चात हमने जाना कि समांतर रेखाओं की तिर्यक क्षैतिज रेखा क्या होती है और इसके कुछ नियमों के अनुसार इनके कोण में क्या संबंध होता है। और सबसे अंतिम में हमने जाना कि समांतर रेखाओं की जांच कैसे की जाती है। कुछ नियमों के सहारे हम ये देख सकते हैं कि दो रेखाएं समांतर हैं या नहीं। धन्यवाद। थैंक यू।